इंडिया में क्रिकेट एक गेम नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक फेस्टिवल है, जहां उसके हर एक मोमेंट को लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो ग्राउंड में बैठ के हो या घर पे टीवी पे देख के। तो घर में टीवी पे देखने का एक्सपीरियंस अच्छा हो और ग्राउंड में एक फेयर डिसीजन मेकिंग हो, इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है क्रिकेट में। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज के बारे में देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम पांडे एंड यू आर वाचिंग द पैरेलल वर्ल्ड। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, आप सबके लिए गुड न्यूज है, जहां पे आने वाले हर एक वीडियो में आप वीडियो के टॉपिक का क्रेडिट अर्न कर सकते हैं एंड दैट विल बी अनाउंस्ड प्रॉपरली इन द वीडियो। आप सबको वीडियो का टॉपिक कमेंट करना है नीचे, और याद रहे टॉपिक लेटेस्ट हो और यूनिक हो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जहां पे हम 7 टेक्नोलॉजीज के बारे में देखने वाले हैं। हम उसकी वर्किंग को समझेंगे और उसका कॉस्ट कितना होता है ये भी देखेंगे। तो ये 7 टेक्नोलॉजीज हैं: जिंग बेल्स, बॉलिंग मशीन, हॉटस्पॉट, अल्ट्रा एच, स्पाइडर कैम, स्पीड गन और सबसे लास्ट में सबसे महंगी टेक्नोलॉजी हॉकआई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में बिना किसी टाइम वेस्ट के। आफ्टर ऑल इट इज क्रिकेट। करते हैं जिंग बेल्स के साथ, जहां पे जैसे ही बेल स्टंप्स को लीव करती हैं, एलईडी लाइट्स ग्लो होने शुरू हो जाते हैं। पहले कभी कभी स्टंपिंग्स और रनआउट्स के केस में जूमर्स लगा के चेक करना पड़ता था कि बेल्स स्टंप्स को लीव की हैं या नहीं की हैं, और इस डिसीजन में एरर्स भी होते थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिंग बेल्स, जहां पे बेल्स के दोनों एंड्स अगर स्टंप्स को लीव करते हैं तो 0.001 सेकंड्स में बेल्स के एलईडी लाइट्स ग्लो होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट का एक रूल है कि जब तक किसी एक बेल के दोनों एंड स्टंप्स को लीव नहीं करते, द प्लेयर इज नॉट आउट। तो फेयर डिसीजन मेकिंग के लिए ये जिंग बेल्स का यूज किया जाता है। बट ये एलईडी लाइट्स ग्लो कैसे करते हैं? तो इसके लिए सिंपल इंडक्टिव प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, जहां पे बेल्स के दोनों एंड में इंडक्टिव लूप्स का यूज होता है, और जब बेल के दोनों एंड्स एक साथ स्टंप को लीव करते हैं तो इंडक्शन में चेंज आता है। ये चेंज रिकॉर्ड किया जाता है इंडक्टिव सेंसर द्वारा, और उसमें लगे हिडन बैटरीज की हेल्प से फिर एलईडी लाइट्स ग्लो होते हैं। बट नाउ वी आर इन 2020, जहां पे इंडक्टिव सेंसर्स को हटा के माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाने लगा है फॉर बेटर एक्यूरेसी। ये तो बात हो गई बेल्स की, बट स्टंप्स के लाइट्स कैसे ग्लो करते हैं? तो जैसे ही बेल्स डिसलॉज होती है, एक वायरलेस सिग्नल भेजा जाता है स्टंप्स के लिए, और जैसे ही स्टंप्स उस सिग्नल को रिसीव करता है, एलईडी लाइट्स ग्लो होना शुरू होती है। इसीलिए एक माइनोर सा गैप होता है स्टंप और बेल के एलईडी लाइट्स ग्लो होने के टाइम में। अगर इस चीज को आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो जब भी नेक्स्ट मैच हो या कभी रिप्लेस देख रहे हो तब इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो एक मैच में यूज किए जाने वाले सेट का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 लाख रुपए। यह बनाया जाता है कंपोजिट प्लास्टिक मटेरियल से, जो नियरली अनब्रेकेबल होता है, इसलिए एक सेट को कई सारे मैचेस में यूज कर सकते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम एक ही है कि बेल्स काफी हैवी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एम्बेडेड है, तो कई बार बॉल लगने के बाद भी वो डिसलॉज नहीं होती एंड द प्लेयर रिमेन्स नॉट आउट। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है बॉलिंग मशीन। तो इसका यूज कोच करते हैं एक बैट्समैन को ट्रेन करने के लिए। पहले तो उसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर एक लेटेस्ट बॉलिंग मशीन के अमेजिंग फीचर्स को देखेंगे। बॉलिंग मशीन में लगे होते हैं दो मोटर्स, और इन मोटर्स के ऊपर 10 इंच डायमीटर के अप्रोक्स का रबर टायर्स लगा होता है। इन टायर्स के बीच में कुछ गैप होता है, जो कि अराउंड बॉल के डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा इसलिए ताकि बॉल पे टायर्स की अच्छी ग्रिप हो सके। एक ट्यूब के थ्रू बॉल को फीड किया जाता है, बॉल इन टायर्स के बीच में से होके गुजरता है, और ये टायर्स बॉल को पुश करते हैं बैट्समैन की तरफ एट अ डिजायर्ड स्पीड। स्पीड को कंट्रोल किया जाता है मोटर्स के आरपीएम द्वारा। जितना ज्यादा आरपीएम उतनी ज्यादा स्पीड, जितना कम आरपीएम उतनी कम स्पीड। अगर दोनों मोटर्स का आरपीएम सेम है और टायर्स के प्लेन 0 डिग्री एंगल पे है विद द हॉरिजॉन्टल, तो बॉल एकदम स्ट्रेट जाएगी, और अगर इसी में किसी एक मोटर का आरपीएम कम कर दिया गया तो बॉल उस साइड स्विंग करेगी। अगर दोनों मोटर्स के आरपीएम सेम नहीं है और टायर्स का प्लेन किसी एंगल पे है विद हॉरिजॉन्टल, तब स्पिन डिलीवरीज देखने को मिलेंगी। तो ये सारे मैकेनिज्म्स यूज होते हैं सिंपल से प्रैक्टिस के लिए बैट्समैन के। सिंपल बॉलिंग मशीन्स में प्लेयर्स को पता होता है कि कौन सी डिलीवरी आने वाली है, तो वो उसी हिसाब से बैटिंग करता है। बट नाउ वी आर इन 2020, जहां पे एडवांस बॉलिंग मशीन्स अवेलेबल है और प्लेयर को पता तक नहीं चलता कि अगली डिलीवरी कौन सी आने वाली है, तो उस केस में प्लेयर अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से बैटिंग करता है, जिससे उसकी ट्रेनिंग और भी अच्छी होती है।
इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होता है जहां पे ये किसी भी एक स्पेसिफिक बॉलर के बॉलिंग एक्शन, स्पीड, स्विंग या स्पिन को एनालाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से डेटा इनपुट करते हैं इसमें। मतलब कि ये बॉलिंग मशीन्स किसी भी एक बॉलर के बॉलिंग टाइप को कॉपी कर सकती हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो अच्छे क्वालिटी के नॉर्मल बॉलिंग मशीन्स 50,000 से लेके 1,00,000 तक मिलते हैं, बट अगर एडवांस की बात करें तो वो और भी ज्यादा महंगे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टेक्नोलॉजी की तरफ जो है हॉटस्पॉट। तो आई गेस इसको सभी ने देखा ही होगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे रिप्लेस में दिखाते हैं जब LBW या कॉट बिहाइंड का अपील होता है, ये चेक करने के लिए कि बॉल पहले बैट में लगा या पैड में लगा या बॉल बैट को टच किया या नहीं किया। जहां पे बॉल टच करता है वहां पे व्हाइट कलर का स्पॉट क्रिएट हो जाता है। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो इसमें दो इंफ्रारेड कैमरास का यूज होता है, एक लेग साइड से और एक ऑफ साइड से, जो कंटिन्यूअसली बैट्समैन को मॉनिटर करते हैं। किसी भी कोलिजन वाले पॉइंट पे हीट जनरेट होता है और ये कैमरास में एक व्हाइट स्पॉट पे अपीयर होता है, जिसे अंपायर को इजी होता है डिसीजन मेकिंग में कि बॉल पहले पैड को लगा या बैट को लगा या बैट को टच किया या नहीं किया। हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी काफी महंगा है, इसीलिए हर वेन्यू पे ये देखने को नहीं मिलता। अगर हम इसके केवल एक दिन के यूज का चार्ज बताएं तो ये होता है अराउंड 3,50,000। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि अगर किसी बैट्समैन ने सिलिकॉन टेप्स का यूज कर लिया अपने बैट्स पे तो फेंट एजेस हॉटस्पॉट की पकड़ में नहीं आते। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टेक्नोलॉजी की तरफ जो हॉटस्पॉट का एकदम क्लोज कंपटीटर है, एंड दैट इज अल्ट्रा एज। इसमें अगर बॉल बैट को टच किया तो ग्राफ में एक स्पाइक आता है, अगर नहीं किया तो ग्राफ नॉर्मल रहता है। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो स्टंप्स में एक बहुत ही सेंसिटिव माइक लगा होता है जो कनेक्टेड होता है ऑसिलोस्कोप से। अगर किसी को नहीं पता ऑसिलोस्कोप क्या होता है तो वो किसी भी सिग्नल को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। सिंस की बैट वुडन है, हार्ड है इन कंपैरिजन टू पैड, ग्लव्स एंड बॉडी, इसीलिए अगर बॉल बैट में टकराता है तो अलग फ्रिक्वेंसी का साउंड वेव जनरेट होता है और वो साउंड वेव अगर ऑसिलोस्कोप से पास होता है तो एक स्पाइक जनरेट करता है ग्राफ में। अब इसी चीज को स्लो मोशन कैमरास के साथ सिंक्रोनाइज करके रिप्ले स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जिससे अंपायर्स अपने डिसीजंस लेते हैं। सिंस के सिंक्रोनाइजेशन में टाइम लगता है थोड़ा अराउंड 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, इसीलिए इंस्टेंटली रिप्ले स्क्रीन पे नहीं आता। बस इसके यूज में एक ही दिक्कत है कि अगर बॉल और ग्लव्स का कॉन्टैक्ट हुआ तो कभी कभी ग्राफ में स्पाइक नहीं आता, तो उसके लिए कैमरा के जूमर्स का यूज करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टेक्नोलॉजी की तरफ जो है स्पाइडर कैम। तो इसका यूज किया जाता है टीवी पे व्यूअर्स को एक अच्छा व्यू देने के लिए, एक अलग एंगल से मैच को दिखाने के लिए। आफ्टर ऑल जितनी ज्यादा ऑडियंस उतनी ज्यादा इनकम, इसीलिए ऑडियंस ग्रोथ के लिए टेलीकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है। एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा जो स्टेबल होता है गायरोस्कोपिक इफेक्ट की हेल्प से। ये कैमरा लटकता है 4 पतले केबल से। ये केबल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इनके अंदर होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल वीडियो को हाई स्पीड में ट्रांसमिट करता है जहां से टेलीकास्टिंग की जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि स्पाइडर कैम वायरलेस होता है, बट इट इज नॉट वायरलेस। अगर हम इसके मूवमेंट की बात करें तो ये 4 केबल से कनेक्टेड होता है जो स्टेडियम के 4 डिफरेंट एंड्स में कनेक्टेड होते हैं, और ये केबल्स मोटर से अटैच होते हैं। इन्हीं केबल के वाइंडिंग और अनवाइंडिंग की मदद से ये कैमरा ग्राउंड पे किसी भी लोकेशन पे पहुंच पाता है। मोटर्स के RPM को माइक्रो प्रोसेसर्स कंट्रोल करते हैं और ओवरऑल इसको एक स्किल्ड ऑपरेटर कंट्रोल करता है थ्रू आउट द मैच। ये केबल्स को बहुत ही थिन बनाया गया ताकि मैच के टाइम कभी हिंड्रेंस ना क्रिएट हो, बॉल उस पे जाके स्ट्राइक ना हो, बट फिर भी स्ट्राइक कर जाता है मैच के टाइम, एंड दैट टाइम द बॉल इज डिक्लेयर्ड एज डेड बॉल। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि व्हाई नॉट यूज ड्रोन्स, स्पाइडर कैम्स की जगह ड्रोन्स भी तो यूज कर सकते हैं ताकि हिंड्रेंस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएं, तो 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण स्पाइडर कैम को ही यूज किया जाता है, ड्रोन्स को नहीं। फैक्टर नंबर 1, हाई स्पीड वायरलेसली डेटा ट्रांसमिशन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा जितना स्पाइडर कैम के फाइबर ऑप्टिक केबल्स की हेल्प से हो जाता है। फैक्टर नंबर 2, ड्रोन्स बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और उनके बैटरी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट ही लास्ट कर पाएंगे, तो ओवरऑल मैच में बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बैटरी चेंज करनी पड़ेंगी या नंबर ऑफ ड्रोन्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, बट इन बोथ द केसेस रिकॉर्डिंग में हिंड्रेंस क्रिएट होगा। फैक्टर नंबर 3, ड्रोन्स का मूवमेंट स्पीड उतना अच्छा नहीं होता जितना स्पाइडर कैम का होता है। स्पाइडर कैम कैन ट्रेवल एट स्पीड ग्रेटर देन 10 meters per second। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो स्पाइडर कैम की कॉस्टिंग होती है अराउंड 30-35 lakh रुपए पर मैच, बट ये कॉस्ट कवर हो जाता है टेलीकास्टिंग के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टेक्नोलॉजी की तरफ जो है स्पीड गन।
जो पिच पे बॉल के स्पीड को डिटरमाइन करता है और हमें ये बताता है कि बॉलर ने कितनी स्पीड से बॉल को डिलीवर किया। साइड स्क्रीन के पास से माइक्रोवेव सिग्नल्स पिच पे सेंड किए जाते हैं और ये सिग्नल्स बॉल को स्ट्राइक करके रिवर्ट बैक होते हैं, जिनको रडार कैप्चर करता है। माइक्रो प्रोसेसर इस रडार डेटा पे डॉपलर इफेक्ट लगा के स्पीड को दिखाता है हमें। सिंस कि ये सिग्नल्स माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, इसीलिए इन पे विंड और वेदर का इफेक्ट नहीं होता है। रिसेंटली मल्टीपल रडार सिस्टम्स यूज किया जाने लगा है जो बैट स्पीड, बैट्समैन स्पीड एंड इवन बॉलर के स्पीड को डिटरमाइन करता है। इसका कॉस्ट होता है अराउंड 75,000 से लेके 1,00,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। अब हम देखने वाले हैं अपने लास्ट टेक्नोलॉजी को जो सबसे कॉस्टली है, एंड दैट इज हॉकआई। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है हॉकआई टेक्नोलॉजी यूज कहां हो रहा है, तो उसके लिए बता दूं कि बॉलर के बॉल के लाइन लेंथ, बैट्समैन का वैगन व्हील, फील्डर का फील्ड में पोजीशंस या LBW डिसीजंस में बॉल हिटिंग द स्टंप्स और नॉट, ये सारी चीजें हॉकआई द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। 6 कैमरास को प्लेस किया जाता है रूफटॉप पे ग्राउंड के अलग अलग लोकेशंस में और एक ग्राउंड का 3D एग्जैक्ट डायमेंशन वाला डेटा फीड किया जाता है सॉफ्टवेयर में। फिर इन 6 कैमरा के इमेजेस को एक साथ लेके उस 3D मॉडल के साथ ट्रायंगुलेशन टेक्निक अप्लाई की जाती है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ बॉल। ट्रायंगुलेशन मेथड कंप्यूटर विजन का एक टॉपिक है जिसमें डिफरेंट व्यूज के इमेजेस को एक साथ एनालाइज किया जाता है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के पिक्सल को डिटरमाइन किया जाता है कि इसका 3D स्पेस में लोकेशन क्या होगा। और इन क्रिकेट ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्सल होता है बॉल या प्लेयर, और 3D स्पेस होता है ग्राउंड का 3D मॉडल। आफ्टर एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर एक 3D एनिमेशन क्रिएट करता है जिसे हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट है, स्पिन स्विंग सबको एक्यूरेटली एनालाइज करके डिटरमाइन करता है। अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो ये ±3.5 mm तक एक्यूरेटली बताता है। टेक्नोलॉजी इतना एक्यूरेट है इसीलिए अंपायर्स के एक सेकेंड ओपिनियन के लिए इसको काम में लिया जाता है। करेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड सोनी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करता है। एक वेन्यू पे इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आता है अराउंड 1.5 crore। टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगा है, पर ऑडियंस के लिए बॉल ट्रैकिंग, वैगन व्हील, पिच मैप, बॉल हिटिंग डिस्टेंस और नॉट, ये सारी चीजें देखने का एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसके साथ अंपायर्स को एक सेकेंड ओपिनियन मिल जाता है अगर वो किसी भी चीज को मिस कर देते हैं तो। ये थे 7 मेजर टेक्नोलॉजीज जो क्रिकेट में यूज होते हैं। इनके अलावा कई सारे और छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज भी यूज किए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजीज क्रिकेट में ही नहीं, बहुत सारे अदर गेम्स में भी यूज होते हैं, जैसे फुटबॉल, टेनिस, रग्बी, सब में यूज किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज होने लगा है आजकल क्रिकेट में, तो उसको हम किसी एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्रिकेट मैच का टेलीकास्टिंग भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने में ही, तो उसको भी कभी एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बट अगले वीडियो से टॉपिक का क्रेडिट लेना ना भूलें। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट डाउन द टॉपिक बिलो। रिमेंबर, टॉपिक शुड बी लेटेस्ट एंड यूनिक। सो गाइज, हाउ वाज द इन्फॉर्मेशन, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन, इफ यू आर न्यू टू द चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल बी बैक विथ न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो सून। टिल देन टाटा बाय बाय।